सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा गेमिंग मॉस्कॉट लोगो क्रिएट करने सिखाने वाला हूँ जो कि आप अपने खुद के फोटो से भी क्रिएट कर सकते हो। तो लोगो पूरा परफेक्ट क्रिएट करने सीखना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना और इसमें एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लेना है पिक्सआर्ट से ही। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर देना, आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का, इस पर क्लिक कर देना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक ऐसा मॉस्कॉट का PNG मिल जाएगा, इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अच्छे से यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। और अगर इस आप लोग चाहो तो यहाँ एडजस्ट में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो या ह्यू पे क्लिक करके। तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और उसके बाद फिर ऐड फोटो पे क्लिक करना है। और अब हम लोगों ने जो मॉस्कॉट क्रिएट किया था खुद का फोटो का उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और अगर आप लोगों को नहीं आता है कि कैसे अपना खुद का फ़ोटो का मॉस्कॉट कार्टून लोगो क्रिएट किया जा सकता है तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप लोग क्रिएट कर लोगे खुद का मॉस्कॉट लोगो। और फिर इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अच्छे से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद फिर डन कर देना है। और यहाँ पे भी डन कर देना है इसको। और फिर यहाँ से आप लोगों को सेव कर लेना है इसको। और गाइस, उसके बाद आप लोगों को पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। और उसके बाद वही पैक में आप लोगों को एक ऐसा मॉस्कॉट शील्ड मिल जाएगा, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है और अच्छे से एडजस्ट कर देना है और फिर लॉक कर देना है। और उसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना और जो अभी हम लोगों ने मॉस्कॉट क्रिएट किया था उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद फिर आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इसमें अपना चैनल का नेम टाइप कर लेना है। जैसे मेरा नाम आहिल है तो मैं आहिल टाइप कर लेता हूँ। सब आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है। और उसके बाद फिर ए पे क्लिक करना है और नीचे चले आना है AB फॉन्ट पे। और इसमें आप लोगों को एक ये वाला फॉन्ट दे देना है, ये फॉन्ट भी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले पैक में मिल जाएगा। और इसको अच्छे से यहाँ पर बड़ा कर लेना है थोड़ा। और उसके बाद फिर आप लोगों को इसका कलर पे चले आना है, ग्रेडियंट पे चले आना है और इसमें कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट दे देना है और ओके कर देना। और फिर नीचे इनर शैडो पे चले आना है और इसको इनेबल कर देना है। और इसमें भी वह ग्रीन टाइप का कलर ले लेना है, ब्लर रेडियस को 0 पे कर देना है। और ये जो सबसे नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा इसको आप लोगों को -7 पे कर देना है और डन कर देना है। और उसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है और इसका स्ट्रोक का कलर आप लोगों को ब्लैक कर देना है। और इसका स्ट्रोक का परसेंटेज आप लोगों को 25 पे रख लेना है और डन कर देना है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है और फिर इसको लॉक कर देना है। तो अभी टेक्स्ट का पीछे थोड़ा गैप लग रहा है तो इससे टेक्स्ट हमारा देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो गैप को हम लोग फिल करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक सेव ऐड कर लेना है स्क्वायर सेव का और इसका कलर ब्लैक कर देना है और ठीक हमारे टेक्स्ट के पीछे में इसको एडजस्ट कर देना है अच्छे से ताकि जो गैप है वो अच्छे से फिल हो जाए। और फिर लेयर पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके उस वाले लेयर के पीछे में एडजस्ट कर देना है और उसको भी लॉक कर देना है। तो इतना होने के बाद अब आप लोग चाहो तो नीचे में कुछ टाइटल लिख सकते हो, जैसे FF या गेमिंग वगैरह कुछ भी। तो मैं FF टाइप कर लेता हूँ
और इसमें भी वही सेम फॉन्ट दे देना है। और गाइस इतना होने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ लेयर पे क्लिक करना और सारे लेयर पे क्लिक करके इसको सब लेयर को मर्ज कर देना एक साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाना है, यहाँ आप लोगों को कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है और बैकग्राउंड का कलर पूरा ब्लैक कर देना है और इसको पहले लॉक कर लेना है। और फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से एक शेप ऐड कर लेना है और शेप में वही कलर दे देना है जो हम लोगों का थीम का कलर रहेगा उस पर। और इसको कुछ इस हिसाब से ऐसे यहाँ पे लंबा करके एडजस्ट कर लेना है। और इस वाले लेयर के बैक में इसको कर देना है और लॉक कर देना है। और उसके बाद फिर ये वाला लेयर पे क्लिक करना है और इसका एक और कॉपी कर लेना है और इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे रोटेट कर देना है और उस वाले लेयर के बैक में एडजस्ट कर देना है इसको। और उसके बाद फिर इसका ओपेसिटी पे चले आना है और इसका ओपेसिटी कर देना आप लोग अराउंड 12 पे और डन कर देना और इसको लॉक कर देना। और उसके बाद जो ये फ्रंट वाला हमारा ऊपर वाला लेयर है इस पर क्लिक करना और इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और उसके बाद फिर इसका स्ट्रोक इनेबल कर देना है और स्ट्रोक में भी सेम कलर दे देना है और परसेंटेज का आप लोग अराउंड 5 पे रख लेना और डन कर देना। और फिर नीचे साइडों पे चले आना, इसको इनेबल कर देना और साइडों पे ब्लैक कलर दे देना, ब्लर रेडियस को पूरा 25 पे और डन कर देना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारा लोगो पूरा परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब फिर यहाँ शेयर पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने मत भूलना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में आप लोगों को आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने मिलते रहेंगे। और गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।